हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तराखंड का 7th एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूँगा बेनीताल, जो उत्तराखंड में करण प्रयाग से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं खूबसूरत सा नज़ारा बेनीताल का मेरे साथ। एक नई सुबह है, अच्छी धूप खिली है। आज हम लोग जा रहे हैं बेनीताल। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। लीजिए, हमने पहले निकल के करण प्रयाग से जो अल्मोड़ा की तरफ रोड जाती है वहां जाते हुए लिया शिमली क्रॉस करके, शिमली बैंड क्रॉस करके अब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ग्रुप के जो 3-4 और लोग हैं वो हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। रास्ते के गांव में हमने फिश खरीद के वहीं पर पकोड़े बनवाए और पैक करके निकल चले। मैं आपसे कह रहा था कि फिश पकौड़ा हमने खा लिया और पैक भी करा लिया, साथ में वेज खाने वालों के लिए हमने गोभी के पकौड़े पैक कराए हैं। अभी जो आपने देखा ये डीजल इंजन के साथ आटा पीसने की चक्की थी, गांव में मैं देखा करता था इसको, यहाँ फिर से देखने को मिली। और अब यहाँ से बढ़ रहे हैं बनीता हल की तरफ। नहीं मेरे पास बीटी को बीड़ी बोलते। उसने कहा बीटी बंद कर दो, कितना बीड़ी नहीं मेरे पास। शानदार व्यू है, अमेजिंग, कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स, कमाल की जगह। देखिए, लुक एट माय बैकग्राउंड। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ये जगह कमाल की लग रही है मुझे। बनीताल में लेक अभी लगता है थोड़ा दूर है, हम अभी गाड़ी से रुके हैं और ये रास्ता है जो आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो बताता है कि इस जगह से आगे वाहन यानी कि व्हीकल्स को ले जाना अलाउड नहीं है, और अगर आप व्हीकल यहाँ से आगे लेके जाएंगे तो पुलिस कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। यहाँ पर रास्ते में एक खंदक बनाई गई है, खंदक मतलब एक खड्डा बनाया गया ताकि व्हीकल इसको क्रॉस ना कर पाए, सिर्फ पैदल लोग ही चल करके यहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो जब तक ये लोग जो मेरे साथ आए हैं डांस वगैरह कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कैसी है जगह और क्या है नज़ारे यहाँ के। ये है वो रास्ता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, और ये आपको रास्ता है जो आगे की तरफ लेकर जाएगा। पहले यहाँ शायद गाड़ियाँ आया और जाया करती थी। ये एक ग्रीन मेडो जैसा है, ये जो घास है इसे लगता है कि जला दिया गया पहले, सब काली है सूख चुकने के बाद। लोग उधर से इस तरफ आ रहे हैं, कहीं इसे तो ये लोग ताल नहीं कहते हैं, मैं एक बार देखना ज़रूर चाहूँगा। शायद यही वो है जिसे बेनीताल, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा, हो सकता है ये हो, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। देखिए एक ग्रुप में वापस आ रहा है किस तरह से शोर मचाते हुए। हाय ब्रो, हाय, फ्रॉम चंडीगढ़ यार। ओह वाव,
वेल ब्रो अभी आप लोग वापस जा रहे हैं सर 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 आप सर चंडीगढ़ विभाग विभाग नहीं है फौजी नहीं आप फौजी लच्छी मैं फौजी नहीं हूँ तो आप कहाँ से मैं चंडीगढ़ से आया चंडीगढ़ जॉब जॉब हमारे ये हमारे भाई यूपी का कहाँ है यूपी वाला बंदा ओए यूपी ओए ओए यूपी वाला बंदा आ जाओ यार यार भाई अब सब हम साथ फोड़ने का तेरा भाई है इधर भाई आ जाओ बिजनौर से आप बिजनौर से भाई ये मेरा भाई सहारनपुर आप सब लोग दिख रहे हैं उसमें ओके इधर देखो सर इधर सर आप किस जगह अकेले ये घूम जाएगा अभी आप अकेला है क्या सर फैमिली नहीं मेरा ग्रुप भाई आपने खाना खाया हमारे खाना है अगर आप खाना चाहो आपको मटन खाना है चिकन खाना है सर रखा आपने खाना नहीं खाना तो अभी भूख नहीं हम लोग खा के बहुत खुशी हुई जहाँ तुम चल रहे हो ना आप आओ यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है लेकिन अभी का मौसम ऐसा है कि आग लगी है हर जगह अच्छा ना, ये जो ये आग लगा रखी है नहीं तो यहाँ पे हरी घास होती है यहाँ पर आप रुको ना गाय भैंस चढ़ती है ना अच्छा हरी घास ही रहते हैं अब ये हमारे यहाँ पर घास चलती है आप एंजॉय करो हम चल रहे हैं जरूर चलो कोई बात नहीं थैंक यू बाय चलो मेरे भाई सब लोग खाए पिए हैं न्यू ईयर के ओकेजन पे एंजॉय कर रहे हैं मुझे भी अच्छा लगा मिलके इतने हार्ट वार्मिंग से लोग हैं इट्स अ गुड प्लेस सो मैं आपको बता रहा था बेनीताल मुझे लगता है कि जो बेनीताल का नाम बेनीताल पड़ा है वो शायद इस जगह के नाम से है ये जो आप पीछे आप देख रहे हैं शायद यही वो जगह है जहाँ पर इकट्ठा होता है पानी यहाँ जब बर्फ़ गिरती है पिघल जाता है तो यही वो जगह है शायद जहाँ पर तालाब बनता है ताल बनता है और इसी के नाम से इसको बेनीताल नाम दिया गया मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ आप भी देखिए किस तरह की जगह है पानी के थोड़ा और नज़दीक जहाँ जहाँ पर गैदरिंग है उसके थोड़ा और नज़दीक मैं पहुँचता हुआ मेरे एकदम सामने ये सूरज उस पहाड़ के पीछे छिप रहा हुआ सा लगता है जबकि टाइम शायद अभी 4:30 का ही हुआ है लेकिन पहाड़ ऊँचा है तो उसके पीछे छिपने लगा है नीला आसमान है जगह वाकई खूबसूरत जो नेटवर्क इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ आइडिया का है मेरे पास एयरटेल का मुझे जानकारी नहीं है लेकिन जो लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर एयरटेल आइडिया का नेटवर्क आता है देखिए कितना खूबसूरत सा पेड़ है यहाँ पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ मैंने नेटवर्क को जियो पे शिफ्ट किया है और जियो का नेटवर्क यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको जियो का सिग्नल यहाँ नहीं मिलेगा तो खूबसूरत सा पेड़ है जिसके नीचे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात करने का मज़ा ही अलग है सूरज थोड़ी देर में छिप जाएगा और पता नहीं इस जगह में कुछ खास सी बात मुझे लगती है क्योंकि अजीब सी शांति है यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है जबकि ये नए साल का मौका है और उसके बावजूद भी यहाँ टूरिस्ट नहीं होने का और साथ में ये प्लेन पहाड़ ऐसा पहाड़ मुझे याद है अगर मैं हिमाचल में बात करूँ तो नज़र आएगा सिर्फ पराशर लेक पर ही मैंने इस तरह के पहाड़ को देखा था जहाँ ऐसे बड़े बड़े मेडोज हैं वो भी उस जगह जहाँ पराशर लेक है बाकी जगहों पर ऐसा कुछ नज़र आया नहीं मुझे चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जाती है उस तरफ वापस पेड़ शुरू हो जाएंगे और मुझे कुछ लोग वहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं खूबसूरत से व्यू हैं मैं कुछ और व्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहूँगा ताकि आपको इस जगह की खूबसूरती दिखा सकूँ तो आप शुरू करिए और देखिए कैसे हैं नज़ारे इस जगह के
एक खरगोश का पीछा कर रहे हैं कुछ कुत्ते, बहुत दूर निकल गए हैं, कैमरे की आंख उन्हें देख पाएगी या नहीं, पर कहीं यहाँ पर, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से होते हुए वो पहुँचे हैं इस जगह पर, कहीं जंगल में खो से गए हैं। तो आप इंजॉय करिए नज़ारे बेनीताल के, सोचिए कि जब यहाँ बर्फ़ होगी तो किस तरह का खूबसूरत दृश्य होगा, एकदम सफ़ेद ये मेडो, यहाँ तो आप स्कीइंग भी कर पाएंगे। जिस ताल की हम बात कर रहे हैं उसे, ये वो जगह है जो ताल के रूप में जानी जाती है। ये ताल इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सबसे नीची जगह है, यहाँ पर जितना भी बर्फ़ पिघलती है यहाँ वो सब बहकर इसी जगह पर पानी इकट्ठा होता है और इस तरह से बनता है बेनीताल का ये ताल। सूरज छिपा नहीं है, हवा में थोड़ी थोड़ी ठंडक है, मैं थोड़ा और चल फिर करके इन खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करना चाहता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। सामने उस पहाड़ के पीछे सूरज छिप चुका है, शायद इसे ही यहाँ का सनसेट कहा जाए। जगह तो वाकई कमाल की लगती है। मैं अभी प्रकाश जी के साथ हूँ, हम पांच लोग हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हम आए हैं बेनीताल और ये मुझे लेके जा रहे हैं, सामने एक मंदिर है वहाँ पर बाबा, और ये मुझे मंदिर के बारे में बताएंगे। ये जो मंदिर है ये क्या चीज़ है? यहाँ पे कोई बाबा आया था, वो 22 दिन या 23 दिन भूखा रहा था, उन्होंने यहाँ पे खाना पीना नहीं खाया था। 23 दिन वो यहाँ रहे भूखे और कोई खाना वगैरह नहीं खाया, तो उनका मंदिर फिर यहाँ बनाया गया। हाँ, बाबा के नाम पे वो गेट बना है, हमारे 26 जहाँ से बेनीताल मार्ग शुरू होता है वहाँ पे उनका नाम का गेट बना है। हाँ, जो नीचे हमने गेट देखा था जब हम मुड़े थे तो वो गेट वहाँ पर है। अच्छा, तो जैसे ओली में बर्फ पड़ती है यहाँ पर भी बर्फ पड़ती है क्या? यहाँ पे बर्फ पड़ती है 5-6 तारीख से, जनवरी में। अभी जैसे यहाँ पे ये आग का काम शुरू हो रखा है। हाँ, तो ये सारा मैं देख रहा हूँ कि जला दिया गया है, ये बर्फ के चक्कर में जला दिया गया है ताकि जब बर्फ पड़े तो घास नहीं उगे। फिर हमारे इधर ये क्या है कि यात्री लोग आते हैं, गंदा गुंदा करके चले जाते हैं, फिर अच्छा। उनके गाय भैंस हैं, उनके लिए कुछ परेशानी होती है, उससे उन लोग आग लगा के यहाँ पे चले जाते हैं। तो मतलब एक बार पूरा आग लगा दिया, जल गया। उसके बाद नई घास उगेगी, तो कचरा टूरिस्ट फैला के गए हैं, पॉलीथिन बैग्स गिरा के गए हैं, वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है पूरा। ये अच्छा तरीका है। तो अभी हम मंदिर की तरफ अभी हम बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। बहुत तगड़ा, 5:30 हो गए। अभी तो मैं गाड़ी ऊपर लेकर आया। अच्छा, 5:30 हो गए हैं। 21 हो गए, पता भी नहीं चला। सीढ़ियां हैं जो जाती हैं ऊपर की तरफ और बहुत सारे पेड़ यहाँ लगे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये दो सीढ़ियाँ मंदिर के चौखट तक, दरवाजे तक लेकर आपको जाएंगे। ये मंदिर है, ऐसा पेड़ों से घिरा हुआ मंदिर। मैं जहाँ तक इन प्लांट्स को जानता हूँ, समझता हूँ, ये ओक ट्री है, ये काफल है बगल में, इसके बगल में काफल का पेड़ है। ये एक पानी का मटका यहाँ पर लगा है। लोकल के साथ होने का फायदा रहता है कि उन्हें पता है कहाँ से क्या नजर आएगा। तो ये मुझे एक खेत की ढलान पर लेके जा रहे हैं जहाँ से मुझे इनका कहना आदि बदरी देखेंगे। ये इनकी खुद की टैक्सी सर्विस है और इनका कहना है कि जब भी आप आए तो इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको पूरा उत्तराखंड घुमा देंगे। तो आप अपना नंबर दीजिएगा, कोई भी अगर इस तरफ आना चाहे तो वो आपको कॉल कर सकता है। है 9536-08-72-23-23। ओके, तो ये मुझे इस पैदल से रास्ते से लेकर के जा रहे हैं उस जगह जहाँ से आदि बद्री, आदि का मतलब तो जैसे आदि मानव, सबसे पहले बद्रीनाथ, आदि बद्री, हम वहाँ जा रहे हैं अभी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये जो धुंध आपको नज़र आ रही है, इनका कहना है कि ये धुंध नहीं होती तो आपको यहाँ आदि बद्री के दर्शन होते, यहाँ से आप देख सकते हो। ये पहाड़ देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, जैसे आप सीनरी में देखते हो ना, शेडो एक, शेडो दो, शेडो तीन और पीछे लाइट, ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है।
बहुत खूबसूरत है, मन को मोह लेने वाला है। यहाँ से जैसे आप नगली, ढमकर, आली, मजाड़ी, हाँ, कनखवा देख सकते हैं आप लोग। ओके, पर अभी धुंध है तो शायद नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम अभी आज बजे को कैद कर सकते हैं नीचे से। अंधेरा होने लगा है दोस्तों, यहाँ से अब हम वापसी करेंगे थोड़ी देर में। प्रकाश, थैंक यू, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। सर, आपको अगर प्रकाश का नंबर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। कि इनके पास सुमो है तो आप 6 या 7 लोग उसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी हायर करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, आप इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सूरज महाराज छिप चुके हैं उस पहाड़ी के पीछे जहाँ आपको ये लाल रंग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इस जगह पर आप ये देखिएगा यहाँ पर। और ये पेड़ों के झुरमुट के बिल्कुल पीछे मंदिर है उस ऋषि का, जिसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, प्रार्थना की। और बिल्कुल सामने आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं बेनीताल। तो बेनीताल स्नोफॉल के बाद आपकी लिस्ट में होना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। पर मेरे बैकग्राउंड का ये नीला आसमान बहुत खूबसूरत है, और मेरे सामने जो सनसेट हुआ है वहाँ की जो रोशनी है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। है कोई जवाब इस बात का? कर सकते हैं आप इसे शब्दों में बयां? लकीली हमारे पास कैमरा है जो इन सब चीज़ों को कैप्चर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस एपिसोड के साथ उत्तराखंड सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगली सीरीज स्टार्ट होगी मेरा गांव मेरा देश यूपी यानी उत्तर प्रदेश। मैं आपको उत्तर प्रदेश के गांव की सैर कराऊंगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही।